इस वक्त फुटबॉल प्रेमियों में फीफा वर्ल्ड कप का खुमार चढ़ा हुआ है। 20 नवंबर से कतर में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस बार ये वर्ल्ड कप कई विवादों से भी घिरा हुआ है। दरअसल जब से कतर को इस टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है, तभी से इस फैसले को लेकर विवाद चल रहे हैं। एक तरफ जहां मेजबान देश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया जा चुका है, वहीं कतर पहुंच रहे दुनिया भर के फुटबॉल फैंस के अंदर निराशा भी है। गर्मी और सख्त इस्लामिक कानूनों की वजह से मौज मस्ती की तलाश में पहुंच रहे फुटबॉल फैंस को काफी निराशा हाथ लग रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आयोजकों पर रिश्वत लेकर मेजबानी हासिल करने का आरोप लगाया था। हालांकि कतर ने इन आरोपों का खंडन किया है। इसके अलावा प्रवासी कामगारों को लेकर मेजबान देश को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, कुछ दिन पहले फीफा के पूर्व प्रमुख सेप ब्लैटर ने कहा कि कतर में वर्ल्ड कप कराना एक गलती है। इसके एक दिन बाद ही कतर के एक वर्ल्ड कप एम्बेसडर ने समलैंगिकता को बुद्धि भ्रष्ट होना बताया था। You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. एक सवाल लगातार उठ रहा है कि जिस देश की आबादी महज 30 लाख है और जहां गर्मी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जहां समलैंगिकता अपराध है, उस देश को टूर्नामेंट की मेजबानी का मौका कैसे मिल गया। खैर, ये सब बातें होने का अब तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये टूर्नामेंट की मेजबानी कतर को दी जा रही थी, उसी वक्त ये सब विचार कर लिया जाना चाहिए था। अब कतर ने फुटबॉलर फैंस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। कतर में होने वाला ये टूर्नामेंट कई वजह से विवादों में है। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को भी भारी गर्मी का सामना करना पड़ेगा, वहीं फैंस पर भी कई बंदिशें हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अक्सर फैंस मौज मस्ती करते नजर आते हैं, लेकिन कतर में शायद ऐसा नहीं होने वाला है। इसकी मुख्य वजह है वहां का नियम। ऐसे नियम जिनका पालन नहीं करने पर भारी जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको बता दें, कतर में हर महिला बहन को अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकना होगा, साथ ही उन्हें घुटने से ऊपर कपड़े पहनने की इजाजत भी नहीं होगी। कतर में सभी महिला फैंस के लिए किसी भी तरीके के टाइट कपड़े पहनने पर सीधा बैन लगा हुआ है। कतर की सरकार ने वर्ल्ड कप में जाने वाले लोगों को साफ तौर पर हिदायत दी है कि उन्हें उनके नियमों का पालन करना ही होगा। अगर कोई फैन पॉर्क मीट, पॉर्न या सेक्स टॉय लाने की कोशिश करेगा तो उसे जेल होगी। तो वहीं कतर में महिला फैंस के साथ साथ पुरुष फैंस पर भी कई तरह की बंदिशें हैं। फैंस को स्टेडियम में शर्ट उतारने की इजाजत नहीं है। आदमियों को लंबी कार्गो पैंट और हल्के चिनोज पहनने की इजाजत है। फीफा वर्ल्ड कप में शराब को लेकर भी सख्त नियम है। कतर में किसी भी पब्लिक प्लेस पर शराब पीना मना है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3000 कतर रियाल यानी 67,000 रुपए जुर्माना देना होगा। आगे की अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज के साथ।